नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली रोजगार की एक और नई वीडियो पर, जहां पर एक बार फिर से आप सभी लाडली बहनाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट प्राप्त होने वाली है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आते ही लाडली बहनों को उपहार दिया गया है, तो डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा, जो कि मध्य प्रदेश के नए CM हैं, उनके द्वारा लाडली बहनाओं के लिए बहुत सारे उपहार दिए गए हैं, जिनकी जानकारी विस्तार पूर्वक आज आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। तो आप सभी के लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप सभी इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आपके लिए यहां पर आवास किस्त, लाडली बहना योजना किस्त एवं तीसरे चरण से लेकर इस योजना को बंद करने के नए निर्णय को भी बताया जाएगा। तो आप सभी इस पूरी जानकारी को, इस वीडियो को पूरा देखते हुए प्राप्त करने वाली हैं। CM डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा आते ही लाडली बहनों के लिए किया गया ऐलान, इस प्रकार से आप सभी लाडली बहनों के लिए बहुत सारा लाभ प्राप्त होने वाला है। तो वह कौन से लाभ हैं एवं कौन से बड़े ऐलान हैं जो कि आप सभी को मिलने वाले हैं? आते ही डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा लाडली बहना योजना को बंद करने को लेकर बात कही गई है, जिसमें हाल ही में उनसे पूछे गए एक सवाल में उन्होंने जवाब दिया कि मध्य प्रदेश में चल रही सभी कल्याणकारी योजनाएं लगातार चलती रहेंगी, इस प्रकार से महिलाओं को लाभ दिया जाता रहेगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि MP में लाडली बहना योजना बंद नहीं होगी, बल्कि आपके लिए लगातार इस योजनाओं से लाभ प्राप्त होता रहेगा। इसके बाद हम दूसरे और महत्वपूर्ण ऐलान की बात करें तो लाडली बहनों को आवास किस्त का इंतजार है। तो हम आपको बता दें कि इसके लिए अब तक कोई भी नया आदेश जारी नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही सर्वे होगा और सर्वे के आधार पर महिलाओं के लिए आवास किस्त का पैसा प्राप्त होने वाला है। इसके लिए जल्द ही कोई नया अपडेट आने पर हम आपको जानकारी देंगे। इसके बाद हम तीसरे और महत्वपूर्ण ऐलान की बात करें, जिसमें 3,000 रुपये की किस्त को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। तो हम आपको बता दें कि जो भी महिलाएं लाडली बहना योजना की किस्त का इंतज़ार कर रही हैं, उनके लिए अब तक 7 इंस्टॉलमेंट प्राप्त हो चुकी हैं, जिसमें अंतिम इंस्टॉलमेंट 1,250 रुपये की भेजी गई थी। इस प्रकार से अब आपके लिए जल्द ही 3,000 रुपये प्रति माह किया जाएगा, उससे पहले 1,500, 1,750 और धीरे धीरे बढ़ाते हुए आपको 3,000 रुपये प्रति माह तक ले जाया जाएगा। इस प्रकार आप सभी के लिए 3 उपहार प्राप्त होंगे। और अंतिम उपहार की बात की जाए तो लाडली बहना योजना का तीसरा चरण शुरू होगा, तो वह सभी महिलाएं जो कि इस योजना से वंचित हैं एवं उनके लिए कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो जल्द ही उनके लिए तीसरे चरण का ऐलान होगा। इस प्रकार से आपके लिए यह सभी उपहार प्राप्त होंगे और आपको लाभ मिल पाएगा। यदि आपके लिए इन 4 ऐलानों से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट प्राप्त हो पाई है, तो हम लगातार ऐसी ही जानकारी आपको प्रदान करते हैं। तो ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल से जुड़ी रहें। धन्यवाद।